नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जामिनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 का कट ऑफ क्या रहेगा। और ये जो कट ऑफ रहने वाला है ये एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अनुमानित कट ऑफ जो है वो एकदम सटीक है। बिल्कुल जितनी कट ऑफ मैं बताऊंगा वो कट ऑफ आप ऐसे मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी चीज़ें लगभग लगभग सही ही जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि इसमें शुरुआती दौर में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है वो 10 लाख से ऊपर होगी, लेकिन 7,62,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम रहने का चांसेस है। और आप जानते ही हो 9,534 वैकेंसी हैं, प्लस ऊपर से लगभग 800 के करीब वैकेंसी जो है वो बढ़ाई गई थी, तो लगभग 10,000 वैकेंसी आप मान के चलिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इतना इतना क्वेश्चन सही है जिस किस किस कैटेगरी में, तो उन स्टूडेंट्स को रेस के लिए 100% बुलाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम कि वो कट ऑफ क्या है। तो देखो इसमें मैंने लिख रखा है कि जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इसमें P1, P2, P3 का अर्थ यहाँ पर यह है कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अगर यहाँ अगर हम बात करें कि जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो फेज 1 की 107 के आसपास रहेगी, 107 से 108 भी हो सकती है, 106 भी रह सकती है, 5 भी रह सकती है, लेकिन 107 8 मैक्सिमम मान के चलो आप। फेज 2 की यही कट ऑफ जो है वो 102 क्वेश्चन, और फेज 3 के लिए यही क्वेश्चन जो है ये 98 क्वेश्चन रहेगी। इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ 104 क्वेश्चन फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए 99 और फेज 3 के लिए 95। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 103 फेज 1 का, 98 फेज 2 का, और फेज 3 का है 94। इसके अलावा SC 92 फेज 1 का है, फेज 2 का है 90 और फेज 3 का है 88। एक्स सर्विसमैन का फेज 1 का 85, फेज 2 का 82, फेज 3 का 80। इसके अलावा मैंने इसमें ST का नहीं लिख रखा है। ST का जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि लगभग 85 क्वेश्चन से ऊपर जिसका भी होगा उसका हो जाएगा ST में। तो यहाँ ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आप मान के चलना है कि बिल्कुल सही कट ऑफ है। जिन जिन स्टूडेंट का इतना बन रहा है वो अपनी रेस की तैयारी करें, एकदम चिल रहें। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द आंसर की आने वाली है, और आंसर की आने के तुरंत बाद रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का दबाव है सरकार पर। सरकार ने एक भी वैकेंसी पूरी नहीं करवाई है, जिसकी वजह से ये वैकेंसी उनका टारगेट है इसको पूरा करवाने का, और ये बहुत जल्द होगी ये वैकेंसी, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें पहले से रेडी रखें, वेट न करें किसी भी चीज़ का। तो पहले से तैयारी में लगे रहें, अगर इतना इतना क्वेश्चन आपका बन रहा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और जिसका भी 110 प्लस बन रहा है उसका सिलेक्शन 100% तय है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला मार्क्स होगा, ये जो मार्क्स है आपका ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला मार्क्स है। अगर नॉर्मलाइजेशन में घटता बढ़ता है तो फिर इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार होगा। तो चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो 7,62,000 के अंतर्गत आते हैं, वो सभी अपनी रेस की तैयारी रखें, आराम से जो है रेस करते रहें प्रतिदिन। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं, तो फिर आंसर की आने के बाद आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।